तो क्वेश्चन कह रहा है ए पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ हाइट टेन मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू पॉइंट सेवन टू इट इज इमर्ज इन ए लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड एज शोन इन फिगर इट इज फाउंड दैट द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड फॉर्म्स ए सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ डायमीटर इलेवन पॉइंट फाइव फोर मिलीमीटर ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज ओके तो इसमें कह रहा है कि ये एक ब्लॉक है ये एक ब्लॉक है जो कि लिक्विड में लिक्विड के अंदर प्लेस किया गया इमर्स्ट किया गया है और इस ब्लॉक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है ब्लॉक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक वो दिया है गिवन है टू पॉइंट सेवन टू ये गिवन है और क्या गिवेन है हमारे पास फिर कह रहे हैं कि पॉइंट सोर्स है द पॉइंट सोर्स एस इज़ प्लेस्ड एट द टॉप बॉटम ऑफ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक तो ये पॉइंट सोर्स यहाँ पे है जो कि बॉटम में रखा गया है और ये जो ब्लॉक है ये ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है और इसकी हाइट जो है वो 10 एम mm एम है तो इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना है 10 एम एम टेन एम एम इसकी हाइट दी हुई है अब उसके बाद क्या कह रहा है रिफ्रेक्टिव इंडक्स भी हो गया फिर कह रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक इस सोर्स के कारण जो लाइट निकल रहा है इससे तो जो लाइट निकल रहा है इस तरीके से जो लाइट निकल रहा है वो ब्लॉक टू द लिक्विड लिक्विड में जो जा रहा है फॉर्म्स ए सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ डायामीटर 11.54 पॉइंट फाइव ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक तो टॉप ऑफ द ब्लॉक ये रहा टॉप ऑफ द ब्लॉक इस पर एक सर्कुलर स्पॉट बनाता है सर्कुलर स्पॉट तो अगर हम इसको ये तो क्रॉस सेक्शनल हम साइड से देख रहे हैं ना अगर हम ऊपर से देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये आ, वो ब्लॉक को हम ऊपर से देख रहे हैं मतलब आंख जो है अगर हम यहाँ से देख रहे हैं इस जगह से ऐसे ऊपर से तो आपको क्या देखेगा एक सर्कुलर ब्राइट मतलब ये जो है बाकी सब जगह जो है लाइट नहीं आएगा ये ये जो बीच में है ये सर्कुलर ब्राइट दिखेगा ये वाला जो पार्ट है ये चमकता हुआ दिख रहा है अब ये चमकता हुआ क्यों दिख रहा है इसके पीछे हम थोड़ा जाते हैं हमें पता है कि ये जो है ये डेंसर मीडियम है पहले ही क्वेश्चन में कहा जो जा चुका है और जो लिक्विड है वो रेयरर मीडियम है तो जब लाइट जाएगा इस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के तरफ डेंसर रे, से रेयरर में तो हमें पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो सकती है पॉसिबल है तो अगर कह रहा है कि बीच में सिर्फ ब्राइट स्पॉट मिल रहा है बाकी सब जगह कुछ दिख ही नहीं रहा मतलब कि बाकी सब जगह इधर इधर जो लाइट जा ही नहीं रहा होगा हमें हमारी आँख को क्या दिखता है जब लाइट किसी चीज़ से जाती है तभी दिखता है ना तो लाइट जो है इधर से भी जा रहा है इधर से भी जा रहा है तो इतना दूर का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक का लाइट तो लाइट जो है वो आँखों में जा रहा है लेकिन इसके बाद का जो लाइट है इधर मान लें कि जो लाइट इधर से निकल रहा है ऐसे निकल रहा है तो ये वाला नहीं जा पा रहा है क्यों नहीं जा पा रहा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा होगा क्योंकि डेंसर ये जो है डेंसर मीडियम है और रेयर ये रेरर मीडियम है तो इस कारण से जो है वो जा नहीं पा रहा होगा तो अब जा नहीं पा रहा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो हमारे आँख तक तो पहुँचेगा नहीं हमारा आँख यहाँ पर तो इसीलिए हमको इधर जो है डार्क स्पॉट दिखेगा और बीच में जो है सर्कल में ब्राइट स्पॉट दिखेगा तो हमें यही पता करना है और इसमें ये भी कहा है कि इस ब्राइट स्पॉट का जो डायमीटर है वो 11.54 दिया हुआ है मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये डायमीटर वो कितना दिया है वह 11.54 पॉइंट 11.54 पॉइंट mm फाइव फोर एम एम दिया हुआ है ठीक है तो अगर हम ये पता कर लें कि ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो जाएगा आईसी हो जाएगा क्रिटिकल एंगल क्योंकि क्रिटिकल एंगल ही वो मिनिमम एंगल है जिसके बाद अगर थोड़ा सा भी एंगल को बढ़ा दिया जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है इवन जो क्रिटिकल एंगल यानी 90 डिग्री पे भी जो जाएगा तो वो लाइट सीधा ऐसे निकल जाएगा हमारी आँखों तक तो जाएगा ही नहीं ठीक है तो ये एंगल हम हम हमको क्या पता चला कि ये एंगल जो होगा वो आईसी होगा यानी क्रिटिकल एंगल ही होगा ओके okay. और हमें पता करना है कि लिक्विड का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है कितना है तो हम यहाँ पे जो है इस कंडीशन में हम स्नेल्सा लगा सकते हैं जो कि कहता है साइन आई बाई साइन आर साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन अब देखते हैं म्यूटू कौन है म्यू वन का क्या है तो साइन आई साइन आई मतलब ये जो है साइन आई क्या हो जाएगा साइन आई सी के बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में तो साइन आई सी डिवाइडेड बाई साइन आर तो साइन आर जो होगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल लिया गया है तो साइन आर जो है 90 डिग्री आर जो है 90 डिग्री मतलब साइन नाइन्टी इक्वल टू अब म्यू टू देख लेते हैं तो म्यूटू क्या हो जाएगा म्यूटू हमें नहीं पता है लिक्विड मतलब किस में जा रहा है लाइट किस में जा रहा है तो लिक्विड में जा रहा है तो म्यूटू जो होगा वो लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा तो मान लेते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ हमने लिख दिया लिक्विड यहाँ पर डिवाइडेड बाई किस से जा रहा है तो ब्लॉक से जा रहा है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक ठीक है अब हमें आई सी का वैल्यू ही तो निकालना है सॉरी ah, आईसी का नहीं लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आईसी का वैल्यू हमको पता होना चाहिए तब तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक तो पता है तो आईसी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ कर लेते हैं क्या करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे साइड में बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक है ऐसा और ये कुछ इस तरीके का है और हमको ये पता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है कितना दिया हुआ है वो टेन एम एम गिवेन है और हमें ये जो है आई सी पता करना है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे आई सी तो अगर वह ये करें या फिर आई सी ये है तो ये भी तो आई सी होगा है ना ये क्या होगा ये भी आई सी होगा ठीक है तो क्योंकि ये दोनों पैरल लाइन्स हैं तो आई सी हम हमको ये पता करना है तो ये क्या हो जाएगा दिस डिस्टेंस बाई ये हाइपोटेनस मतलब ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस ठीक है तो ये डिस्टेंस कितना है ये है इलेवन पॉइंट फाइव फोर डिवाइडेड बाई टू क्योंकि डायमीटर का आधा है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं हमको ये मालूम है ना ये डिस्टेंस मालूम है तो हम जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो हैपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा एलेवन पॉइंट फाइव फोर का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर इलेवन पॉइंट फाइव फोर बाई टू का स्क्वायर ओके सॉरी 11.54 पॉइंट फाइव फोर बाई टू का स्क्वायर तो यहाँ से एच इक्वल टू हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 11.54 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ओके okay, तो एच निकल गया हाइपोटेनस निकल गया तो यहाँ से साइन आई सी ज्योमेट्री से क्या हो जाएगा आ, ये हो जाएगा सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर कितना है 11.54 डिवाइडेड बाय 2 और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 11.54 डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर सब मिलीमीटर में है तो इसीलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है म्यू ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ब्लॉक कितना दिया है तो वो दिया है टू पॉइंट सेवन टू ओके तो यहाँ से म्यू ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आएगा म्यू ऑफ लिक्विड वो आता है हमारे पास 1.36 इन सब को कैलकुलेट करने के बाद तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट आंसर